बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम लोग आपसे शेयर करेंगे कि आर्य मेडिकल कॉलेज ने अपनी फिफ्थ सिलेक्शन लिस्ट जो है वो अपलोड कर दी है और मेरिट जो है ओवरऑल वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। उसके हवाले से बताएगा, आपको बताते चले कि आर्य मेरिट के जो आर्य मेडिकल कॉलेज है उसमें MBBS और BDS की सीट्स आप लोग देख सकते हैं कि फिफ्थ सिलेक्शन लिस्ट है और अभी तक जो क्लोजिंग मेरिट आ चुका है MBBS का वो 90.73 पे आ चुका है और BDS की बात करें तो 90.6 पे आ चुका है। और अभी तक जो है पाँचवीं मेरिट लिस्ट के बावजूद जो है कोई भी अभी तक BDS की सीट सिलेक्ट नहीं हुई, फिल नहीं हुई। और MBBS की आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ 16 सीट्स फिल हुई है और अभी तकरीबन 39 सीट्स जो है वो अभी वैकेंट है। तो ओवरऑल आप लोग देख सकते हैं कि काफी बड़ा मतलब कि अभी जो है मेरिट है वो काफी ज्यादा गिरने के चांसेस है। अब इसी हवाले से पता चले कि आप लोग ये जो मेरिट लिस्ट है वो इनकी NEMS की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। सिंपल आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोविजनली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है जिनको ये कहा गया कि 30 दिसंबर से पहले पहले उन्होंने फीस जमा करानी है और अगर वो फीस नहीं जमा कराएंगे तो उनकी जगह पे नए स्टूडेंट्स आ जाएंगे। और आपको बताते चले कि उन्होंने जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु आर लाइकली टू गेट एडमिशन इन MBBS एंड BDS इसके हवाले से उन्होंने कहा कि 30 दिसंबर से पहले पहले इन लोगों ने इनको एक ईमेल आई होगी, उसमें जो है इन लोगों ने ये सिलेक्ट करना है कि अब हम लोग जो है विलिंग है या नहीं है। अगर तो उन्होंने ये उस ईमेल का जवाब जो है वो विलिंग में लिखा तो फिर इनका मेरिट में नाम आएगा, अदरवाइज इनका नाम नहीं आएगा। अब इसके अलावा पता चले कि आप देख सकते हैं कि अगर मेरिट लिस्ट की बात करें तो MBBS की अभी तक जो है वो 16 सीट्स फिल हो चुकी है, 91.25 तक जो है स्टूडेंट्स ने जो है वो फीस जमा कराई है। और ओवरऑल अगर देखें कि 54 सीट्स के अंदर तो मतलब कि अभी ये जो बाकी सीट्स है वो वेकेंट है और अभी इन्होंने न्यू एंट्री के स्टूडेंट्स यहाँ पे ले आए हैं और इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन 90.53 तक जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे जो जिनका रिजल्ट आ चुका है और ये बाकी स्टूडेंट्स हैं जो रेड हाइलाइटेड है इनका रिजल्ट मतलब कि अभी तक आया नहीं है। अभी तक इन्होंने रिजल्ट जो है वो अपडेट करना है और अभी तक जो है इन्होंने जो अपना FSC का रिजल्ट है वो अब जब उनको टाइम दिया जाएगा कि वो जो है अपना रिजल्ट अपडेट करेंगे तो फिर इनका फाइनल सिलेक्शन होगी। इसके अलावा पता चले कि आप लोग देख सकते हो और भी इन्होंने यहाँ पे जो है वो अपनी जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है। BDS की बात करें तो आप लोग सकते हैं कि 14 सीट्स अगर फिल करनी है तो अभी तक कोई भी सीट जो है वो फिल नहीं हुई, अभी तक क्लोजिंग मेरिट 90.60 पर आ चुका है। और न्यू एंट्रीज में अगर देखें तो ये जो रेड वाले हैं तो इनका जो है अभी तक रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ, इनका जो है वो इम्प्रूवमेंट का जो उन्होंने पेपर दिए हुए हैं या स्पेशल एग्जाम दिया हुआ है जिसकी वजह से इनका जो रिजल्ट है वो उन्होंने बाद में अपलोड करना है, उसके बाद ही जो है इनका जो रिजल्ट होगा वो फाइनलाइज होगा। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि और भी यहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइडेड है। अब अगर जिन स्टूडेंट्स का भी जो जिनको ईमेल आएगी उसमें आप लोग देख सकते हैं कि लाइकली टू गेट एडमिशन, इसमें ये वो स्टूडेंट जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ लेकिन डेफिनेटली इनको जो है वो वेटिंग पे रखा गया है और ये वेटिंग से थोड़े से अबव इसलिए क्योंकि इनको ईमेल आई है और ईमेल इनको ये इस तरह की है कि इन्होंने रिप्लाई करना है, दे मस्ट रिप्लाई के मतलब कि इसमें जो है कि विलिंग है या नॉट विलिंग है। अगर तो उन्होंने विलिंग की तो उनका फिर ही नाम आएगा, अदरवाइज इनका नाम नहीं आएगा। इसी तरह BDS की भी आप लोग देख सकते हैं। तो अगर हम लोग MBBS की बात करें तो 90.05 तक स्टूडेंट्स को जो है वो ईमेल आ चुकी है और 89.25 तक जो है स्टूडेंट का क्लोजिंग मेरिट BDS में जा चुका है। फर्दर इसके अलावा और भी जो है वो चांसेस है गिरने के, BDS के स्पेशली 89 से जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये और गिरेगा और 87 तक ये आगे क्लोज होने के चांसेस है। फर्दर अगर MBBS की बात करें तो MBBS का भी जो है 89 तक लाजमी डेफिनेटली आराम से आ जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी जो सीट्स है वो वेकेंट है। इसके अलावा गाइडलाइंस भी यहाँ पर प्रोवाइडेड है कि भाई आप लोगों ने किस तरीके से फीस जमा करानी है और 30 दिसंबर तक आप लोगों को टाइम दिया गया कि आपने फीस जमा करा दें और जिन जिन का नाम जो है आ चुका है प्रोविजनल सिलेक्टेड में आ चुका है। और इसके अलावा इसकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में पता चले तकरीबन इनकी एक साल की 2,20,000 रुपये और ओवरऑल आप लोग बाकी भी अगर डिटेल्स जानना चाहें तो आप लोग हमारी वेबसाइट पार्क लर्निंग स्पॉट पर जाके और भी इंफॉर्मेशन मतलब कि आप लोग हासिल कर सकते हैं। सिंपल आप लोगों ने पार्क लर्निंग स्पॉट गूगल पर आप लोग लिखेंगे तो आपको जो है ये फर्दर मतलब कि हमारी वेबसाइट मिल जाएगी तो आप लोग वहां से जाके और भी इंफॉर्मेशन जो है आपको इसके हवाले से मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा ख्याल। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।